नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह के इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया वीडियो में, और आपको बता दूं 200 ग्राम सूखा दूध मिलेगा। जो भी प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को चिन्हांकित किया जा रहा है, जो भी लाभार्थी की श्रेणी में आ रहे हैं उन लोगों को 200 ग्राम सूखा दूध जो है सुधा दुग्ध चूर्ण वो भी दिया जा रहा है। उसके संबंध में हमारे पास लेटर भी आ चुका है और हम चाहते कि आप सब भाई बहन पूरा वीडियो देख करके ही जाना। तमाम बड़ी खबरें अलग अलग राज्यों से भी है, मध्य प्रदेश से भी खबरें हैं, और तो यहां पर देख सकते हो और भी जानकारी है, उत्तर प्रदेश भी लेटर है। तो ऐसे में आप सब भाई बहन पूरा वीडियो देख करके जाना। कुछ अहम प्रारूप भी आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आप सब वीडियो को पहले लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाइए ताकि आप लोगों के पास ऑल इंडिया की सच्ची खबरें हमेशा पहुंचती रहे जब भी वीडियो डाला जाए। तो बिहार सरकार की तरफ से यह पहला लेटर है 26/5/2020 का। बिहार में जो अभी तक आपने देखा जितने लाभार्थी हैं उनको तो वहां की सरकार जो है पैसा या सूखा दूध वगैरह पहुंचा नहीं पा रही है, यानी मानक के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों को ना तो THR मिल पा रहा है, उनके लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, ना ही जो है सूखा दूध पहुंच रहा था। काफी आंगनबाड़ी बहनों को आदेश आया, उनके वहां 40 लाभार्थी हैं और 24 लोगों को जो है पैकेट वगैरह मिला, 24 में कह रही हैं कि आधा आधा सबको बांट दीजिए, बाकी का कहां जा रहा है। तो ऐसे में अब प्रवासियों को भी दिया जाएगा, इनके लिए क्या होगा? अभी तक तो उनके लिए ही सरकार नहीं दे पा रही थी, अधिकारी बोल रहे हैं कि जो ऊपर से ही ऐसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें ऊपर से तो नहीं कह सकते, बीच के अधिकारियों की मिली भगत जरूर कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सच्चाई की तरफ, आप लोगों को बताएंगे। यहां पर लिखा है COVID-19 के प्रकोप के कारण राज्य में आ रहे प्रवासियों के बीच सुधा दुग्ध चूर्ण वगैरह वितरण के संबंध में यह लेटर है निदेशक महोदय का 26 तारीख का सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों के लिए। और इसमें लिखा है कि उपयुक्त विषय बाहर से आ रहे प्रवासियों को प्रखंड पंचायत स्तरीय क्वारंटीन कैंपों तथा अपने अपने घरों में भी आइसोलेशन में रखा जा रहा है। इस दौरान प्रवासियों के बच्चे एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाएं कुपोषण का शिकार ना हो, इसलिए जो है ये सब कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आप लोगों को यहां पर बता दें, हम लिखा गया है कि 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे यहां पर तथा गर्भवती और धात्री महिलाएं इनकी पहचान करिए और इसी इनकी प्राथमिकता के अनुसार उन्हें 200 ग्राम दुग्ध वगैरह चूर्ण का एक एक पैकेट वितरण किया जाना है, पूरा एक एक पैकेट। लेकिन अभी तक भी एक ही पैकेट का आदेश था जो आंगनबाड़ी में वास्तविक लाभार्थी जो उनके अभी तक थे जो पंजीकृत थे, तो पंजीकृत लाभार्थियों को ही पहुंचा नहीं पा रही है सरकारें। उसमें अधिकारी बोल रहे हैं कहीं कहीं कि जो है 200 ग्राम का दूध उसको आधा करके बांट दो। भाई क्यों आधा बांट दे? आधा ही यदि बांटने का आदेश ऊपर से है तो ऊपर से लेटर ऐसे निकलवाइए ना कि 100-100 ग्राम दिया जाए। ऊपर से जब भी आदेश आता है तो 200 ग्राम दूध बांटिए, इसके लिए आदेश आता है। यहां पर भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 200 ग्राम का पैकेट दीजिए, लेकिन आंगनबाड़ी को फिर क्यों नहीं मिलता? तो कह सकते हैं कि बीच के अधिकारी गोलमाल कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं बैठ करके। तो आगे आप लोगों को बता दें, आगे देख सकते हो, साथ ही उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जा रही सेवाएं हेतु निबंधित भी किया जाना है। तो और भी जो सेवाएं हैं वो भी उन लोगों को मिलेंगी, इसके लिए चिन्हांकन वगैरह किया जाएगा, उनका पूरा लेखा जोखा तैयार हो रहा है। आगे लिखा है, यह दुग्ध पैकेट जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे विवरणी संलग्न के साथ में तथा उनके द्वारा परियोजना को आवंटित किया जाएगा। इससे संबंधित सभी अभिलेख यथा लाभार्थी का विवरण, वितरण और तिथि आदि पूर्ण की भांति किंतु अलग पंजी से संधारित किए जाएंगे तथा इस दुग्ध का उपयोग सिर्फ उपयुक्त लाभार्थियों को लिखा हुआ उनके बीच ही किया जाएगा। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसके उपयोग के उपरांत अपने जिला हेतु जो है पुनः दुग्ध की पैकेट आवश्यकता का आकलन कर अविलंब मांग पत्र प्रस्तुत करें। तो ये निदेशालय से आदेश गया है। ये बिहार सरकार का लेटर आप लोगों ने देखा, सेम कंडीशन हर राज्यों में है। जो भी चाहे THR मिल रहा हो, चाहे पोषाहार मिल रहा हो, या फिर इस तरह से सूखा दूध वगैरह कुछ भी मिल रहा हो, तो वहां पर मानक के अनुसार ना मिलने से, पैसा भी ढंग का ना आने से लाभार्थियों को कुछ पहुंच नहीं रहा है। उल्टे आंगनबाड़ी के साथ में उनके क्षेत्र के लाभार्थी, उनको पता चलता है तो वो कहते हैं कि ये हमको कुछ दे ही नहीं रही है, तो समस्या आंगनबाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। मैं चाहता हूं इस आवाज को ऊपर तक उठाया जाए। सिंगरौली मध्य प्रदेश से आंगनबाड़ी बहन ने एक लेटर भेजा है 27/5/2020 का। ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं से लेटर है। घर घर जाकर के सुबह 8 बजे से किया जाना है सर्वेक्षण टाइप का। तो इसके बारे में है, लिखा है 10/5/2020 से 28/5/2020 तक जिले के बाहर से आए हुए व्यक्तियों का सर्वेक्षण दिनांक 29/5 से लेकर के 31/5 तक सभी वार्डों में घर घर जाकर के सुबह 8 बजे से करना है। इसके लिए ये आदेश यहां पर देख सकते हो, लिखा है सर्वे टीम अधिकतम 2 लोग एक साथ रहें तथा बाहर से आए हुए व्यक्तियों से पर्याप्त दूरी बनाकर के भी रखें, साथ ही मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है। बाहर से आए हुए व्यक्तियों को घर पर
स्टीकर वगैरह चस्पा करना ये भी अनिवार्य है, निरीक्षण वगैरह भी इसका करना है। यदि चस्पा नहीं है तो स्टीकर चस्पा करना सुनिश्चित करें एवं उनको जिला प्रशासन द्वारा जो दिए गए निर्देशों को अभी जो है उनको प्रदान करें, संबंधित प्रोबेस वगैरह प्रदान करें। साथ ही लिखा गया बाहर से आए व्यक्तियों को समझाइश वगैरह देना है, यानी उनको समझाना है कि लॉकडाउन के नियमों का आप लोगों को पालन करना है, घर में होम क्वारंटीन यदि आप हो तो आप इसका पालन करिए, बाहर लोगों से मत मिलिए। आगे लिखा है घर पर बुजुर्ग यानी व्यक्ति हैं तो बिल्कुल दूरी उनसे बना करके उन लोगों को रखनी है यदि घर में कोई बुजुर्ग है। आगे लिखा है घर में किसी भी को यदि सर्दी बुखार खांसी एवं स्वास्थ्य में अन्य कोई परेशानी है तो तत्काल उस व्यक्ति की प्रविष्टि निगरानी फार्म में जो है करना सुनिश्चित करें। तो उनका एक फार्म भी भरा जाएगा प्रविष्टि निगरानी टाइप का, तो उसमें उनके जो भी लक्षण है उनको भी भरा जाएगा क्या समस्या है। आगे सर्वेक्षण किया जा रहा है कि व्यक्ति अथवा उसके घर के सदस्य के बाहर घूमने अर्थात होम क्वारंटीन का उल्लंघन पाए जाने की दशा में उस व्यक्ति की प्रविष्टि निगरानी फार्म में करना सुनिश्चित करें, जिसका लिंक नीचे दिया है। तो लिंक भी भेजा जा चुका है, ये आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे ये चीजें जो है भेजी जा रही है, ये हमारे पास मध्य प्रदेश से है। मैं चाहता हूं कि सभी भाई बहन देखा करें, सुना करें, समझा करें किस किस राज्य में क्या देखने को मिल रहा है, वही सब कुछ आपके वहां डिट्टो मिलेगा, यानी कि सेम टू सेम। आगे आपको बता दें, ये देख सकते हो उपरोक्त सभी दल सदस्य अपने नाम के जो सन्मुख क्वारंटीन व्यक्तियों के घरों का भ्रमण कर समयानुसार कार्य करना सुनिश्चित करें, तो इसके बारे में जानकारी थी। आगे आपको बता दें मेरे पास पुष्पा बहन है, उन्होंने भी एक जानकारी भेजी, आजमगढ़ से पुष्पा कुशवाहा है, और यहां पर आप देख सकते हो ये उन्होंने एक आजमगढ़ से लेटर भेजा। आइए देखते हैं आजमगढ़ के लेटर में क्या है। 29 मई को ये अभी जारी हुआ है, आपको बता दें 29 मई। तो यहां पर आजमगढ़ से ये लेटर, इसमें लिखा है प्रवासी व्यक्तियों के नाम प्रारूप पंजिका पर दर्ज करने के संबंध में, जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए आप लोगों को बहुत ही ध्यान देना है इस लेटर के माध्यम से। इसमें जो बताया जा रहा है उसको समझिए। यहां पर बताया जा रहा है 27 मई 2020 का संदर्भ ले और इसमें जो लिखा है उसको आप लोग सीखें और समझें। जिन विकास खंडों में बैठक नहीं हुई है, बाल विकास परियोजना अधिकारी खंड विकास अधिकारी से समन्वय कर आज प्रत्येक दशा में बैठक पूर्ण कर ले। साथ ही रजिस्टर पर प्रवासियों के नाम का अंकन दिनांक 31 मई 2020 तक पूर्ण करा लिया जाए। साथ ही लिखा है पंजिका साफ सुथरा हो, पंजिका के प्रत्येक कालम पंक्तियों के बीच अंकित की जा रही प्रविष्टियों के बीच स्थान हो, जिससे प्रत्येक प्रविष्टियां स्पष्ट स्पष्ट दिखाई भी दें। साथ ही इसमें लिखा है प्रवासी यदि व्यक्ति यदि जो है कुशल है, कामगार है, यानी कुछ काम धंधा करना अच्छा जानता है, बाहर कोई काम अच्छा कर रहा था उसमें कुछ हुनर कौशल है, तो उसके स्किल को, हुनर को, कौशल को कुछ भी समझे, तो उसके लिए कालम में उनके कौशल का नाम स्पष्ट रूप से लिखें कि वो क्या उसके अंदर हुनर है, क्या काम करता था, क्या उसके अंदर कौशल है, तो उसकी सूची भी जाएगी। अकुशल होने की दशा में अकुशल अंकित करें, यदि कुछ भी नहीं कर पाता है तो कुछ भी नहीं में अंकित करें, अकुशल है यानी कि वो कुछ भी उसको नहीं आता। आगे लिखा है अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपयोगिता अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रगति रिपोर्ट से आज शाम 4 बजे तक अवगत भी कराएं। तो इसके बारे में जानकारी है मनोज कुमार मौर्य जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ की तरफ से, उन्होंने लेटर जारी किया। जानकारी अहम थी, आप लोगों को एक एक करके मैंने दिखा दी। आगे हमारी बहन है एक, उन्होंने भी जानकारी भेजी, भैया जी नमस्ते, आपका न्यूज कॉल से जो है नहीं आया है, हम बहुत परेशान है न्यूज सुनने के लिए और हम आपके न्यूज पर विश्वास करते हैं कल्याणी देवी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पहली बात की वीडियो देखने के लिए। साथ ही आपको बता दूं चैनल जिसका सब्सक्राइब है, बेल जिसकी ऑन है ऑल पर, तो जिसकी बेल ऑल पर ऑन है उसी के पास नोटिफिकेशन जाती है, और कभी कभी नोटिफिकेशन भी नहीं जा पाती है। आज सुबह की नहीं गई थी, आज 4 वीडियो आए थे, यानी कि कल 4 वीडियो आए थे, तो ऐसे में नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं जा पाती है। तो आप लोग क्या करिए, समय समय से अपना यूट्यूब खोलिए, नीचे यूट्यूब में एक होम का ऑप्शन नीचे होता है, एक जो है सब्सक्रिप्शन का होता है, सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है ऑल इंडिया को तो उसमें आपको वीडियो हमारे मिल जाएंगे, या सीधा ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल लिखिए, उस पर सर्च करके आएगा, चैनल पर टच करिए, मेन जो है खबर पर आ जाओगे, जो भी वीडियो पड़े होंगे आप एक एक करके देख सकते हो। आगे आपको बता दें ये एक और मैसेज है, घर घर जाकर के बच्चों को शिक्षा दे रही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका। मैंने आप लोगों को लगभग 10 दिन पहले ही बता दिया था, बिहार से खबर थी कि बिहार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों को पढ़ाएंगी, इसके लिए आदेश आया है। तो आप देख रहे हो ये न्यूज़पेपर के माध्यम से भी वही आदेश सब निकल के अब आ रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से। तो आप लोग ऑल इंडिया से जुड़िए, ऑल इंडिया की सारी सच्ची खबरें देखिए, हर जानकारी समय से पहले आप लोगों तक पहुंचा देंगे हम। हेमलता बहन है, उन्होंने ये मुझे एक आप लोगों को दिखा दें, ये प्रारूप भेजा है, प्रवासी राहत मित्र ऐप सूचना प्रारूप। तो ये कुछ इस तरीके से प्रारूप है, देखिए आप लोगों के काम ही आएगा, क्या क्या कालम एक्स्ट्रा है, क्या क्या आपके वहां बनाए जा चुके हैं। लिखा है डेटा कैंपर का जो है, ऐसे कुछ व्यक्ति का घर पर आश्रय है, स्थल पर है या फिर कहां पर है, यानी कि वो कहां पर होम क्वारंटीन टाइप का है, प्रवासियों का नाम, प्रवासियों के पिता पति का नाम या मोबाइल नंबर, लिंग वगैरह, आयु वगैरह, शैक्षणिक योग्यता, आधार वगैरह और आगमन की तिथि, बैंक खाता संख्या भी मांगा जा रहा है, कहां से आए वो भी, और इन सबके बारे में राजस्व प्राप्त में आए और ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो इन सबके बारे में आगे साफ नहीं दिख रहा है कि उन्होंने क्या भेजा। तो फोटो भी जब भी भेजे तो देख ले कि सारे कायम जो है साफ सुथरे दिखने चाहिए। आगे बता दें हेमलता बहन, उन्होंने
उन्होंने लिखा भी है, भाई जी नमस्ते हेमलता, और मुझे फॉर्मेट वगैरह ग्राम प्रधान ने दिया है जो बाहर से आए हैं प्रवासी मजदूरों का डाटा भरने के लिए, क्या ये हमारा ही काम है जनपद कासगंज? तो जाहिर सी बात है काम सिर्फ आंगनबाड़ी का नहीं है, निगरानी समिति में आंगनबाड़ी ग्राम प्रधान और प्राथमिक विद्यालय के 50,000 पाने वाले अध्यापक सभी लोग लगाए गए हैं, सबका काम है, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो बात अलग है, वो लोग धौंस दिखा करके या वो लोग काम ही नहीं करते, आंगनबाड़ी पर सारे काम लादे जा रहे हैं। ये एक जो है ये कह सकते हो माइनस पॉइंट है हम लोगों का, कि हम लोगों की कमजोरी है इसी वजह से, और हम इसका सहयोग हमारे यूनियन को देना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, तो शायद आंगनबाड़ी के ऊपर से कुछ प्रेशर कम हो। लेकिन आप सब देखते हो थोड़े बहुत भाई बहन आवाज लगाते भी हैं, और कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए यूनियन में हैं, पद लिए हैं लेकिन काम कुछ नहीं है उनका, सिर्फ बैठे हैं, जब भी धरना कराना होगा चंदा वसूलने के लिए तो वो आगे आ जाएंगे, बाकी उनका कोई काम नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे भाई बहन जिनको देखता हूं कभी मुख्यमंत्री पोर्टल पर, तो कभी अन्य कहीं शिकायत पर, जनसुनवाई पर, ये सब कुछ वो डालते रहते हैं, शिकायत आंगनबाड़ी की भेजते रहते हैं कि आंगनबाड़ी बहनें बेचारी इनकी ये समस्या है, तो सरकार से शिकायत करते हैं उनकी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए, लेकिन फिर भी जो है समाधान नहीं हो पाता। तो आगे फिलहाल के लिए मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, ये वीडियो कैसा